बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा वीडियो होने वाला है एनआईटी पुडुचेरी पे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हमने इसमें एकदम अच्छे से हर छोटी से छोटी डिटेल्स प्रोवाइड की है, इसकी इन डेप्थ एनालिसिस की है, कट ऑफ हुआ, हॉस्टल मिस, सबकी डेटा प्रोवाइड किए हैं। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इस चैनल को करिएगा लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें किस कॉलेज पे रिव्यू बनाना चाहिए। एंड बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। 1, 2, 3, 4 सुहाने बीटेक के इस कॉलेज के पास में एक बीच है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हम सबसे पहले बात कर रहे होंगे इसके अबाउट्स की। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में, इसे हम एनआईटी पीवाई के नेम से भी जानते हैं। और इसके एनआईआरएफ रैंकिंग की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2021, तो इट इज रैंक्ड 144। एंड यहाँ का जो कैंपस एरिया है दैट इज ऑफ 256 acres, मतलब काफी बड़ा है, आपको अच्छा सा कैंपस एरिया मिल जाता है। एंड इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। एंड सबसे एक स्पेशल पॉइंट जो हमें यहाँ पे मेंशन करनी थी अबाउट्स में, वो ये है कि आपको 50% रिजर्वेशन मिल जाता है अगर आप बिलोंग करते हैं पुडुचेरी से, कराईकाल से, माहे से या फिर यनम से, तो आपको 50% यहाँ पे रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ के फी स्ट्रक्चर की। तो अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ के इंस्टीट्यूट फी की, तो वो आपको पड़ जाती है 71,950 rupees फर्स्ट सेमेस्टर में। एंड अगर हम यहाँ पे आपके हॉस्टल की फीस देखें, तो भरनी और भवानी ये दो हॉस्टल की फीस आपकी पड़ती है 28K के अप्रोक्स। एंड जो एक थर्ड हॉस्टल है दैट इज मोयार हॉस्टल, उसकी फीस है 33K। द नेक्स्ट पॉइंट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज मोड ऑफ एडमिशन, मतलब आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको देना पड़ेगा अपना जेई मेंस का एग्जाम, फिर आते हैं जोसा काउंसलिंग, और उसके बाद भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो आप सीसैप जो कि स्पेशल राउंड्स होते हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हो सकता है आपको ये कॉलेज मिल जाए। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके बाद कि यहाँ का कैसे कनेक्टिविटी है, मतलब कि आप यहाँ पे कैसे जा सकते हैं। तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, या तो आप बस स्टैंड से जाइए, या फिर आप रेलवे स्टेशन की हेल्प लीजिए, या फिर एयरपोर्ट से। तो अगर हम बात करें बस स्टैंड की, तो कराईकाल बस स्टैंड आता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 8.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है फ्रॉम द कैंपस। एंड सेकेंड ऑप्शन आपके पास है रेलवे स्टेशन का, तो यहाँ पे आपको मिलता है कराईकाल रेलवे स्टेशन जो कि 11 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड थर्ड ऑप्शन इज आपको मिलेगा यहाँ पे एयरपोर्ट का, उसे हम बोलते हैं पुडुचेरी एयरपोर्ट, एंड दैट इज 130 किलोमीटर फ्रॉम द कैंपस, मतलब एयरपोर्ट काफी दूर पड़ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है। तो टोटल आपको 5 ब्रांचेस मिल जाती है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, आपको मिल जाएगा मैकेनिकल, एंड देन आता है सिविल, मतलब बेसिक जो ब्रांचेस है वो सारी मिल रही है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 2021 में स्टूडेंट्स को राउंड 6 में कितनी रैंक लाने पे ये कॉलेज मिला था, दैट इज कट ऑफ। तो अगर हम यहाँ के एनआईटी पुडुचेरी के कट ऑफ की बात करें, तो अगर आपको यहाँ पे चाहिए सीएसई ब्रांच, तो अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आपको लानी पड़ी थी रैंक 16,126, वेयर एज अगर आप होम स्टेट के हैं, मतलब आप पुडुचेरी या मतलब उसने कराईकाल और जो हमने 4 बताए थे प्लेसेस वहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको रैंक लानी पड़ेगी 81,304। अगर हम ईसी ब्रांच की बात करें तो आपको मिल जाएगा 23,031 पे अगर आप अदर स्टेट के हैं, और होम स्टेट के हैं तो 1,27,754। और बाकी डेटा भी आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो स्क्रीन को जल्दी से पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पॉइंट आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, वो है प्लेसमेंट का। तो अगर आप एनआईटी पुडुचेरी के हैं या वहाँ पे जाना चाहते हैं,
तो आपको ये जानना होगा कि यहाँ पे प्लेसमेंट या पैकेज आपका कितना गया था। तो 2019 में आपका जो हाईएस्ट पैकेज गया था दैट वाज 15.25 LPA। एंड अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो टॉप रिक्रूटर्स आती हैं, मतलब जो बेसिकली कंपनीज आती हैं, वो अच्छी अच्छी भी आती हैं, जैसे आपका कोऑर्डिनेशन सॉल्यूशन हो गया, IVL इन्फोव्यू हो गया, अच्छी कंपनीज भी आती हैं। बट अगर हम ट्रुथ बताएं तो थोड़ी सी मतलब प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होती है, इसके हो सकता है कि इसकी लो रैंक की वजह से या भी मतलब थोड़ा प्लेसमेंट की प्रॉब्लम आती है। कंट्रोल होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फैसिलिटीज का। तो आप अगर यहाँ जा रहे हैं तो फैसिलिटीज की टेंशन तो आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं एंड दैट टू ऑफ टॉप लेवल। जैसे आपको 3 हॉस्टल मिल जाएगा, अच्छा सा मेस मिल जाएगा, 2 कैंटीन मिल जाएगी, आपको यहाँ पे वाईफाई और ऐसा जिम बॉडी शॉडी बनाने के लिए सारी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, मतलब सारी फैसिलिटीज हैं और वो भी एक अच्छे लेवल पे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हॉस्टल्स का। तो अगर आप NIT पुडुचेरी में हॉस्टल में रुकने वाले हैं तो आपको ये जरूर से पता होना चाहिए कि यहाँ पे 3 हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 हॉस्टल आपका है बॉयज का और 1 हॉस्टल है गर्ल्स के लिए। यहाँ पे आपको जो हॉस्टल रूम मिलता है वो 2 टाइप के हैं, मतलब एक रूम है आपका 4 ऑक्यूपेंसी वाला और एक रूम मिल जाएगा आपको 2 ऑक्यूपेंसी वाले, एंड दैट टू फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो काफी अच्छी चीज है ये। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें कि यहाँ के हॉस्टल्स के नेम की, तो जो 2 बॉयज हॉस्टल है उनके नेम है बरानी एंड मोयर, एंड जो गर्ल्स हॉस्टल है उसका नाम है भवानी। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज जो हॉस्टल्स में प्रोवाइडेड हैं वो है कि आपको हर हॉस्टल में 2 लिफ्ट मिल जाएगी, और यहाँ तक कि जो बेस्ट चीज है वो ये है कि फर्स्ट ईयर बॉयज के हॉस्टल में इमेजिन AC लगी हुई। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट जो थोड़ा सा इंटरेस्ट वाला है, वो है कि फेस्ट। तो NIT पुडुचेरी में 2 फेस्ट होते हैं। एक है यहाँ पे जो कल्चरल फेस्ट होता है, उसका नेम है LEE CL, जो कि अक्टूबर में होता है। एंड सेकेंड फेस्ट जो यहाँ पे होता है टेक फेस्ट, उसका नेम है ज्ञानित, एंड वो होता है आपका मार्च में। और अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसे डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको जरूर से ज्वाइन करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स। तो यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स, जैसे कि कोडिंग हुआ, आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, आपका डांसिंग हुआ, ड्राइंग हुआ, डिजाइन हुआ, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लब्स प्रेजेंट हैं। आप उन्हें ज्वाइन करके ऐसा खुद को मस्त मस्त बना सकते हैं। तो लास्ट में कुछ स्पेशल पॉइंट्स जो हमें मेंशन करने चाहिए, वो ऐसा इम्पॉर्टेंट भी है। तो अगर आप NIT पुडुचेरी में जाने वाले हैं तो इन्हें जरूर से ध्यान रखिएगा कि ये एक अच्छा कॉलेज है। मतलब अगर लो रैंकिंग स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ये गुड डिसेंट कॉलेज है उनके लिए, और यहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं वो काफी सपोर्टिव हैं। और एक जो बहुत ही ज्यादा अच्छी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मस्त है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा बीच पे घूमने जा सकते हैं, क्योंकि जस्ट मतलब बहुत पास में ही कैंपस के बीच है, तो आप बहुत ऐसा मस्त जा सकते हैं घूमने फ्रेंड्स के साथ। और कुछ और पॉइंट्स जो हमें इंक्लूड करने चाहिए वो ये है कि यहाँ पे जो मतलब सब कुछ, बहुत सारी फैसिलिटीज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे उतने अच्छे प्लेग्राउंड आपको नहीं मिल पाएंगे, उतनी अच्छी ग्रीनरी नहीं मिल पाएगी। बट फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये एक डिसेंट कॉलेज है फॉर लो रैंकिंग स्टूडेंट्स। तो इसके साथ आज का हमारा रिव्यू होता है खत्म। आई होप आप सबको बहुत मजा आया होगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को करिएगा लाइक और चैनल को जरूर 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 से करिएगा सब्सक्राइब, ताकि हमें आगे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। ओके, बाय बाय।